वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्लास 8 लेसन 12 नो मोर अबाउट के इम्पोर्टेंट और महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे इस क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। व्हील का मतलब जो मीनिंग है वो क्या है। स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या है। द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर वो द बीपर। व्हील जो है ना बीपन के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेंशन द नेम ऑफ ट्रेवल रिच एरियाज इन एमपी। आपको बताना है कि जो रिच एरिया ट्रेवल्स जो है ना जो आदिवासी एरिया आदिवासी क्षेत्र है वो कौन कौन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है। सो द एरिया इन विच ट्रिप्स लिव इन एम पी आर झाबुआ धार खगोन वारवाणी रतलाम ईटी से। इन सारी जगहों पर पाए जाते हैं। वॉट इज द गटला। गटला क्या होता है। सो गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज द स्टोन कार्ब्ड एंड ऑयल पेंटेड। जैसे ऑयल पेंट होता है और मतलब ये एक याद में बनाया जाता है किसी की। तो आप कह सकते हैं कि ये मेमोरी पिलर होता है। क्या होता है गाइस, मेमोरी पिलर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से हैं। नीचे भी हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि महा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो महा से भी महा इंपॉर्टेंट हमारे भाई साहब ये है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ट्रेवल्स के नाम बताइए जो एमपी में है, तो आपको बताना पड़ेगा एरिया के नाम। ठीक है, गटला वाला क्वेश्चन कम आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील वुमेन वेयर। मतलब कौन कौन से टाइप की ड्रेसेस जो होती हैं व्हील वुमेन्स पहनती हैं, सॉरी वुमेन पहनती है। ठीक है, वुमेन वेयर कलरफुल घाघरा बितपोल का कानचाली ईटीसी। देखो वो लोग घाघरा पहनती है पोलके के साथ, पोलका जिसे बोला जाता है, कान चाली पहनती है, इसके बाद दुपट्टा वाले जो भी होते हैं वो भी पहनती है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म व्हील्स फॉर्म्स ऑफ व्हील। तो ये महा इम्पोर्टेंट है, कई दफा पूछा जाता है उनका ड्रेसिंग सेंस और गाने का बहुत ज्यादा पूछा गया है। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ व्हील्स आर सोलो लाहरी पाली दांडवानी गोड़ोदांग सोलो एंड छलावाड़ी। समझ में आई बात। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से महा इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके अलावा अगर मैं व्हील के वियर्स ड्रेस की इसकी बोलूँ तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इतना नहीं है, लेकिन है। और आपका मेंशन द नेम ऑफ ट्रिबल रिच एरिया इन एमपी मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी है गाइस। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको इसको याद करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन प्री बोर्ड हाफ ईयरली में देखने को मिलते हैं। मेंशन सम ऑफ द नेम ऑफ ट्रिबल पर्सनैलिटीज हु हैव गॉट रिकॉग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब आपको रिकॉग्नाइज करना है, बताना है उन पर्सनैलिटी की ट्रिबल्स की जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए हैं ट्रिबल्स का नाम। ठीक है, सो दीज आर, देखो सम से देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ना इंटरनेशनल लेवल तक, वही का वही लिखना है। आर से आपका स्टार्ट होगा। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे याद होगा, बट क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि पेमा फात्या जी हैं, राम सिंह उर्वती है, रानी उर्वती है, सॉरी रानी दुर्गावती एंड तीजन भाई, दीज आर रिकॉग्नाइजेशन पर्सनैलिटी ऑफ ट्रिबल्स। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 8th के स्टूडेंट। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ क्वेश्चन। एक लेसन में से आपको 3 क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं अभी। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हार्ट। तो भगोरिया हार्ट पैसे कई दफा आ चुका है और ये 5 नंबर के क्वेश्चन अथवा में आता है। ठीक है, द वीकली मार्केट वीक बिफोर होली इज भगोरिया हाट। जो होली होती है ना बेटा, उसके पहले जो एक मेला लगता है उसे भगोरिया हाट कहते हैं। द ब्लेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स आइस कैंडी कैंडीज ईटीसी। तो क्या होता है इसमें, ब्लेजर्स जो होते हैं गांव के लोग जो होते हैं डांस करते हैं, गुलाल अप्लाई करते हैं फेसेस पे
उनके रिलेटिव्स के, उनके फ्रेंड्स से के, एंड ऑफर करते हैं स्वीट्स के लिए, कैंडीज के लिए, आइसक्रीम, स्नैक्स वगैरह वगैरह. द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग्स, और झूले की राइड जो होती है बच्चे लोग इंजॉय करते हैं. मैंने आपको समझाया इसलिए है ताकि आपको इतने बड़े क्वेश्चन आंसर को याद करने में, इसके इतने बड़े आंसर को याद करने में दिक्कत ना हो, बिकॉज इनको याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है. तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें. डेली अगर आपको 8th क्लास की वीडियो देखना है तो डेली वीडियोज डल रही हैं पर डे, तो आप चेकआउट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे. बाय बाय, टेक केयर. राधे कृष्णा, कल मिलते हैं लेसन 30 में, ठीक है.